Good morning, students. Today we are going to start our first poem, A Lecture Upon the Shadow. A Lecture Upon the Shadow, इस poem को लिखा है जॉन्डन ने, जो एक metaphysical poet थे. पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कौन metaphysical poetry क्या होती है, कौन कौन से metaphysical poets होते हैं. उनमें एक जो most important name था वो जॉन्डन का था, who was a leading poet इन मेटाफिजिकल पोइट्री. उसी की पोएम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो. लेक्चर का मतलब ए डिटेल्ड फिलोसफी ऑफ लव, प्यार के ऊपर एक पूरा एक विस्तृत फिलोसफी. प्यार क्या होता है, किस तरह का प्यार होना चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेम की, ये सारी बातें इसके अंदर की गई हैं. और शैडो का मतलब परछाई. सिंपल अर्थ में ये परछाई है सरफेस रूप में, लेकिन अगर शैडो का मतलब अगर मेन रूप में देखा जाए तो इसको कन्फ्यूजन रूप में लिया गया है कि प्यार में जो भ्रम पैदा होते हैं लवर और बिलवड के बीच, उसके ऊपर भी, उसके लिए शैडो वर्ड यूज हुआ है. तो पूरी पोएम लेक्चर है इस कन्फ्यूजन के ऊपर कि लव के अंदर क्या कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं, कब वो दूर हो रहे हैं, कब वो दूर नहीं हो रहे, कब घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें इसके अंदर दर्शाई गई हैं. इसके बाद मैं बात करूं, इस पोएम को आप तीन भागों में बांट सकते हैं. तीन समय दर्शाए गए हैं, मॉर्निंग का समय, नून का समय और दोपहर बाद आफ्टरनून का समय. और उसी प्रकार से इनके जो पैरेलल रखा गया है, समांतर में रखा गया है, इसके जो लव की भी तीन स्टेजेस हैं, शुरुआती स्टेजेस, पूर्ण स्टेजेस और प्यार जब वापस घटना शुरू होता है उसकी जो अंत होने की स्टेज. ये तीनों स्टेजेस को कवि ने जोड़ा है सन की विजिट जो आसमान में है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उसी को इस तुलना की गई इसके साथ कि जो तीन स्टेजेस हैं सन के चलने की आसमान में, उसी प्रकार से प्यार की भी तीन स्टेजेस हैं. उससे पहले मैं बात करूं कि अगर बात करें कि इसके अंदर मेन चार करेक्टर्स हम मान सकते हैं, जो पोएट खुद लवर है उसके लिए एल कोड वर्ड यूज हुआ है, उसकी प्रेमिका बिलवर्ड, उसके लिए बी वर्ड यूज हुआ है सन, उसके लिए एस वन वर्ड यूज किया है कोड वर्ड में, शेडो जो है परछाइयां, परछाई जो है उसके लिए एस टू वर्ड यूज हुआ है. इन चारों कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम पोएम को आगे शुरू कर रहे हैं. देखिए क्या कहता है कवि कि लवर और बिलवर्ड यानी पोएट खुद और उसकी प्रेमिका जो है वो दोनों साथ साथ जा रहे हैं. उन्होंने मॉर्निंग में चलना शुरू किया, तो मॉर्निंग में नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम चलते हैं हमारी शेडोज बनती हैं, और जैसे जैसे मॉर्निंग से समय बढ़ता जाता है, आगे दिन आगे की ओर बढ़ता है, परछाइयां कम होनी शुरू हो जाती हैं. तो यहां पोएट क्या कह रहा है कि मैं और मेरी प्रेमिका जो है साथ साथ चल रहे हैं, हमारी जो परछाइयां हैं शैडोज हैं वो पहले बहुत बड़ी हैं, हम थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं, टाइम आगे बढ़ रहा है, परछाइयां डिक्रीज घटती जा रही हैं. उसको कभी क्या मान रहा है कि परछाइयां घट रही हैं, इट मीन्स हमारे प्यार में जो कन्फ्यूजन है वो कम होते जा रहे हैं, हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है. क्योंकि शैडोज और जो लव है उसका अपोजिट एक कनेक्शन है, दोनों में एक विपरीत संबंध है. शैडोज का बढ़ना मींस प्यार का घटना, और शैडोज का घटना मींस प्यार का बढ़ना. तो सेम प्रोसेस यहां चल रही है, दोनों जा रहे हैं, परछाइयां धीरे धीरे घट रही हैं. पोएट ये मान रहा है कि कन्फ्यूजन्स बिटवीन देयर लव आर डिक्रीजिंग, जो भ्रम है, जो गलत फहमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कम होती जा रही है, उनका प्यार बढ़ता जा रहा है. और जब नून का समय आ जाता है, यहां मॉर्निंग के लिए एम वर्ड यूज किया है और एन नून के लिए, तो आप देख सकते हैं लवर बिलवर ने मॉर्निंग में चलना शुरू किया, परछाई बढ़ी थी, उसके बाद परछाई घटती गई, फिर और घट गई. जब नून का समय आ गया, जब नून में क्या होता है, सन इज जस्ट अबव आवर हेड्स, उस वक्त क्या होता है कि परछाइयां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, और यहां भी परछाई खत्म हो गई. और दो कभी क्या कह रहा है कि मैंने और मेरी प्रेमिका ने उन परछाइयों को खत्म कर दिया, हमारे पैरों के नीचे वो परछाइयां आ गई हैं. मतलब क्या हुआ कि वो ये मान रहा है कि परछाइयां खत्म हो गई और हमारे प्यार में जो भ्रम थे बिल्कुल खत्म हो गए. दिस इज द एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ आवर लव, ये हमारे प्यार की एक पूर्ण स्थिति है जिसको हमें मेंटेन करना है. लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है. पोएट एक विट्टी पोएट है, एक मेटाफिजिकल पोएट है, वो बिल्कुल जोड़ रहा है सन की विजिट को अपने प्यार के साथ. हालांकि रियल में प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं है जो सन की विजिट से, शेडो से. फिर क्या होता है, फिर नून के बाद फिर समय आगे बढ़ता है, आफ्टरनून की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस है, परछाइयां फिर बढ़नी शुरू होती हैं. तो उन्होंने फिर चलना शुरू किया, तो परछाइयां जो है फिर बढ़नी शुरू हो गई. जैसे आगे बढ़े
इवनिंग की ओर गए, नाइट की ओर गए, परछाइयां बढ़ती गई। तो पोएट फिर क्या कह रहा है कि हम इस प्यार की स्टेज जो एक एब्सोल्यूट स्टेज थी, नून स्टेज थी, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाए, उसको हम सर्वाइव नहीं कर पाए और हमारे प्यार में गलतफहमियां वापस पैदा हो गई और वापस भ्रम शुरू होता जा रहा है, हमारा प्रेम वापस घटता शुरू घट रहा है, गलतफहमियां दोबारा पैदा हो रही हैं। और उसने एक बात बहुत अच्छी यहां कही कि जो दिन है, दिन तो धीरे धीरे, क्योंकि नून के बाद जैसे एक बजेगा, दो बजेंगे, तीन बजेंगे, चार बजेंगे, पांच बजेंगे, छह बजेंगे, सेवन ओ क्लॉक, एट ओ क्लॉक, जब जाके नाइट आएगी, जब सन सेट हो जाएगा, आसमान छिप जाएगा। लेकिन पोइट क्या कहता है कि लव्स डे इज वेरी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि प्यार में एक बार गलतफहमी पैदा हो गई, एक बार कहीं कंफ्यूजन पैदा हो गया, वो दूर नहीं होता। और कहता है नून के बाद उसका सीधे ही कहां पहुंचेगा, वो नाइट की ओर। एक बार प्यार में कहीं एक बार भी भ्रम पैदा हुआ है तो जो भी गलतफहमी पैदा हुई नून के आफ्टरनून में, वो सीधा कहां जाके खत्म होगी, सीधी नाइट आ जाएगी। क्योंकि प्यार जो सिंपल डे है हमारा, वो तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है वो डिक्रीज होगा, फिर जाके फिनिश होगा, क्योंकि वो सन से जुड़ा हुआ है, सूर्य से जुड़ा हुआ है, सन की विजिट से। लेकिन लव डे इज वेरी शॉर्ट, जिसमें एक बार कंफ्यूजन पैदा हुआ, हम उस नून की जो पूर्ण एब्सोल्यूट स्टेज थी प्यार को, उसको मेंटेन नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई लव हैज डिक्लाइंड, लव हैज फिनिश्ड। मेरे ख्याल से आपको सारी पोएम समझ आ गई होगी इसके अंदर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप बात कर सकते हैं। अब ये जो बात है कि उसने प्यार की जो स्टेजेस को जोड़ा है सन की विजिट के साथ, ये एक कंसीट है। क्योंकि लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेटाफिजिकल कंसीट होता क्या है। मेटाफिजिकल कंसीट वो चीज होती है जिसमें ऐसी तुलनाएं की जाती हैं, ऐसी कंपेरिजन की जाती हैं जिनका आपस में कहीं कोई मेल नहीं होता, बेमेल होती हैं बिल्कुल। और यहां भी वही बात है कि सन की जो विजिट है, सन का जो ईस्ट से वेस्ट में जाना है आसमान के अंदर, वो एक प्राकृतिक उसका एक प्रोसेस है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उसका नियम है सन का, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। लेकिन पोएट ने इसको प्यार की जो स्टेजेस को दर्शाने के लिए, कि पहले प्यार शुरू हुआ हमारा जो इनिशियल स्टेज था मॉर्निंग में, धीरे धीरे प्यार में गलतफहमियां दूर होती गई, हमारा प्यार पूर्ण स्टेज पे आ गया, फिर हमारा प्यार उसके बाद वापिस उसमें कंफ्यूजन शुरू हो गए, प्यार फिर घटना शुरू हो गया, प्यार खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं कोई मतलब नहीं था लव को जोड़ने का सन की विजिट से, लेकिन पोएट ने जोड़ा है। दिस इज मेटाफिजिकल कंसीट। नाउ वी कम टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। स्टैंड स्टिल, लवर जो है, पोएट है जो लवर अपनी बिलवर से कह रहा है, स्टैंड स्टिल, शांत खड़ी हो जाओ। यू कैन सी स्टैंड स्टिल यहां पर जो स्टार्टिंग है, सडन स्टार्ट है। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेटाफिजिकल पोएट्री की विशेषता है कि ये पोएम्स जो हैं अचानक स्टार्ट होती हैं, शुरुआत होती है, सडन स्टार्ट होती हैं। तो यहां भी सेम चीज, वैसे सीधा कह रहा है सडन स्टिल, स्टैंड स्टिल, सडन स्टार्ट है, शांत खड़ी रहो, शांत खड़ी हो जाओ। एंड आई विल रीड टू दी ए लेक्चर। और पोएट क्या कहता, आई मीन्स पोएट खुद कह रहा है, मैं जो लवर है, कि मैं तुम्हें रीड मी पढ़ के सुनाऊंगा, क्या दी मीन्स यू, ए लेक्चर, एक लेक्चर सुनाऊंगा, एक पूरा जो विवरण दूंगा लव के ऊपर कि प्यार क्या होता है, इन लव्स फिलोसफी, प्यार के दर्शन के ऊपर कि प्यार की क्या विशेषताएं हैं, कौन सा प्यार सच्चा होता है, प्यार किस तरह से कायम रहता है, किस तरह से घटता है, किससे बढ़ता है, ये सारी फिलोसफी जो लव की, वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लवर अपनी बिलवर से कह रहा है, दीज थ्री आवर्स, ये जो तीन घंटे, पहले मैंने वो समझाया आपको कि पोएट जो लवर है और बिलवर है, उन्होंने कुछ समय साथ बिताया है, मॉर्निंग से चलना शुरू हुए हैं, वो नून तक पहुंचे हैं, फिर आफ्टरनून में भी गए हैं। तो क्या कह रहा है वो कि दीज थ्री आवर्स, अब यहां मॉर्निंग की बात कर रहा है, जो उनका इन्फेंट लव था, एक शुरुआती प्रेम था, कि तीन घंटे हमने इकट्ठे बताए, यानी कुछ घंटे हमने इकट्ठे बताए हैं, दैट वी हैव स्पेंट, स्पेंट में बिताना, कि हमने साथ बिताए, हम साथ चले हैं, वॉकिंग हेयर, वॉकिंग चलना, तो यहां चलते रहे हम साथ साथ, टू शेडोज वेंट। तो पोएट ये कह रहा है कि हम साथ साथ जब चल रहे थे, तीन घंटे चले, कुछ समय चले, तो दो परछाइयां, यानी एक परछाई खुद लवर की और एक उसकी बिलवर की, वो भी कहता वेंट, चली
अलोंग विद अस, हमारे साथ साथ चली वो परछाई, दोनों की परछाइयां, विच वी आवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड। और पोइट क्या कह रहा है कि उन परछाइयों को विच में, जिनको हमने आवश्यक में हमने खुद ने स्वयं ने प्रोड्यूस में पैदा किया बनाया, कहने का मतलब कि सन की विजिट से, सन जो चल रहा था आसमान में, उनसे उनकी परछाइयां उसमें बनी हैं। तो डन की एक ये भी आदत थी कि जो कोमा बहुत यूज करता था, प्रोड्यूस्ड ई की जगह कोमा लगाया उसने, जैसे ये उसकी आदत थी डन की एक बहुत बड़ी। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, अब सन जो है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ गया है। तो ये प्यार की पहली स्टेज थी, आप ये मान सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज थी प्यार की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लव, जिसमें दोनों का प्रेम शुरू हुआ और धीरे धीरे उस प्रेम में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि परछाइयां घटती जा रही हैं। क्या देखो, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, अब जो सन जो है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ गया है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर सन आ गया है। तो यानी ये पहली स्टेज मॉर्निंग की थी, अब किसकी आ गई, नून स्टेज। इट मीन्स क्या हुआ कि मॉर्निंग में शैडो शुरू हुई थी बन्नी, धीरे धीरे घटती घटती अब वो नून पे पहुंच गई। तो नून में क्या होता है, बट नाउ द सन इज जस्ट अब आवर हेड, अब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है। वी डू दोज शैडोज ट्रेड, ट्रेड में कुचलना, हमने वो दोनों शैडोज कुचल दिए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि जब सूर्य जो है सिर के ऊपर होता है सन, तो परछाइयां खत्म हो जाती हैं। तो पोएट क्या मान रहा है कि परछाइयां हमने कुचल दी हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, ब्रेव क्लियरनेस का मतलब पूरी क्लियरनेस से, पूरी स्पष्टता से, ऑल थिंग्स से मतलब सारी जो थिंग्स थी, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सारी जो गलतफहमियां थी हमारे बीच में, आर रिड्यूस्ड, उसका मतलब कम हो गई या समाप्त हो गई एक तरह से, जितनी भी गलतफहमियां थी हमारे अंदर समाप्त हो गई हैं। या फिर देखिए पोएट ई की जगह क्या यूज कर रहा है इस चीज को, यहां भी सेम बात थी। उसके बाद देखिए आगे, सो वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, क्या कह रहा है इस दौरान, क्या जब सो वाइलेस्ट, इस बीच में कहता हमारा जो इन्फेंट का मतलब, जो इन्फेंट बोलते हैं शिशु को जो जन्म लेता है, यहां मतलब एक स्टार्टिंग जो लव है हमारा, जो शुरुआती लव था, जो मॉर्निंग को शुरू हुआ था, लव्स डिड ग्रो, धन की फालतू में आदत थी एस लगाने की, लव का एस लगा दिया, देखिए डिड ग्रो, वो कहता है हमारा प्यार जो है ग्रो मीन्स आगे बढ़ता गया, क्यों बढ़ता गया, क्योंकि परछाइयां कम होती गई, प्यार बढ़ता गया। डिसगाइजेस डिड, क्या इसका मतलब, दिखावा, गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी वही बातें हैं। डिड वो दूर होती गई, मतलब डिड से मतलब जाती गई। एंड शेडोज, शेडोज मीन्स वही परछाइयां से मतलब जो कन्फ्यूजन थे, क्योंकि परछाइयां कम होती गई और नून जाकर में जाकर परछाइयां बिल्कुल खत्म हो गई। वो कहता है फ्लो, फ्लो मीन्स हटती गई, जाती गई, दूर होती गई, हमसे दूर चली गई सारी परछाइयां भी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी, फ्रॉम अस, हमसे। एंड आवर केयर्स, और हमारी जो चिंताएं थी, केयर्स थी कि लोग क्या कहेंगे, हमारा प्यार कहीं सच्चा है झूठा है, लेकिन वो सारा प्यार हमारा धीरे धीरे एक ट्रू लव में बदलता गया और हमारी चिंताएं खत्म हो गई, हमारी परवाह खत्म हो गई। ये प्यार की यहां तक आप मान सकते हैं सेकंड स्टेज थी, कि जब प्यार पूर्ण स्थिति में था, सेकंड स्टेज ऑफ लव। बट नाउ फिर क्या होता है, बट नाउ इट्स नॉट सो, फिर वहां थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है, पर तो अब ऐसा नहीं है। दैट लव हैज नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री, कि जो प्रेम है, अटेंड मीन्स प्राप्त करना, उसने अभी अपने सर्वोत्तम सीमा को प्राप्त नहीं किया है। हाई से मतलब सर्वोत्तम, डिग्री से मतलब सीमा, कहने का मतलब हमारा प्यार उस स्टेज पे, क्योंकि जो नून स्टेज थी वो पूर्ण स्टेज थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पोएम एक मेटाफिजिकल पोएम है, पोएट जो है मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखते रहे हैं, तो वो अपनी विट का यूज कर रहे हैं और एक तुलना कर रहे हैं बिल्कुल सन की विजिट से अपने प्यार की। कि मैंने पहले कहा था आपको कि सन एक नेचुरल प्रोसेस में चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये एक बहुत होशियारी से, बहुत इंटेलिजेंसी से अपनी बात को रखते हुए अब प्यार की स्टेज को शो करना चाह रहे हैं। तो कहता है अब, बट नाउ इट्स नॉट, अब ऐसा नहीं है कि लव जो है नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री, लव ने अपने प्यार, हमारे प्यार की सर्वोत्तम सीमा को प्राप्त नहीं किया अभी। विच इज स्टिल डिलीजेंट, स्टिल मीन्स अभी तक, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग,
मेहनत मेहनत करना, जो प्यार अभी भी मेहनत कर रहा है, लेस्ट मी ताकि ना लेस्ट अदर सी, ताकि दूसरे लोग ना देख लें, कि दूसरे लोग हमारे प्यार को ना देखें। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब लवर में ये पोजीशन होती है, जब वो दूसरों से डरते हैं प्यार करते हुए, इट मीन्स कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, उनका प्यार सच्चा नहीं है। वो स्थिति यहाँ फिर पैदा हो रही है वापस, और ये पैदा कैसे हो रही है, थर्ड स्टेज में जाकर, जब आफ्टरनून की स्थिति आ रही है, जब जो है नून के बाद आफ्टरनून की स्थिति आ रही है, सन जो है उनके शीर्ष के ऊपर से निकल गया है और आगे की ओर बढ़ गया है, और मान के चलिए कि जब जो सन आगे जाएगा तो बिल्कुल परछाइयाँ फिर बननी शुरू हो जाएंगी। है बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जो पोएट वापस यूज़ कर रहा है इसको, इस बात को दर्शाने के लिए कि हमारा प्यार वापस घटना शुरू हो गया है, प्यार में वापस गलतफहमियाँ पैदा होनी शुरू हो गई हैं। एक्सेप्ट आवर लस्ट एट दिस नून स्टे, हियर द पोएट सेज, एक्सेप्ट के सिवाय कि इस नून स्टेज जो बीती है, जब सन बिल्कुल सिर के हमारे ऊपर था, उसके सिवाय, फिर देखिए फालतू ऐसा लगा दिया, लव डन की आदत है, लव में ऐसा जोड़ दिया, नून स्टे, स्टे मींस ठहरना, यानी नून के समय हमारा प्यार जो है एब्सोल्यूट स्टेज में ठहरा था, बिल्कुल पूर्ण स्थिति में आ गया था। वी शैल न्यू शेडोज मेक दी अदर वे, क्योंकि नून टाइम में हमारी शेडोज खत्म हो गई थी, हमने अपनी शेडोज को खत्म कर दिया था, कुचल दिया था अपने पैरों के नीचे, हमने हमारी जो पहचान थी, हमारी जो आइडेंटिटीज थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, हम एक दूसरे में मर्ज हो गए थे, समा गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, फिर नून के बाद आफ्टरनून आ गया, तो शेडोज एक वही नेचुरल प्रोसेस, शेडोज बनेंगी वापस। तो पोएट फिर वापस यूज क्या कर रहा है कि शेडोज का बनना, फिर वापस उनका बढ़ना शुरू होना, ये किसका संकेत है, किसका सिंबल है कि हमारे लव में फिर कमी आ रही है, हमारा प्यार फिर गलतफहमी की ओर बढ़ रहा है, हमारा प्यार फिर कन्फ्यूजन की ओर जा रहा है। वी शैल न्यू शेडोज मेक दी अदर वे, तो कहता है जब आफ्टरनून में पहुंच गए तो हम दूसरी शेडोज बनाएंगे, दूसरी साइड की ओर, दूसरे वे की ओर। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जैसा कि जो पहली परछाइयाँ थी जो नून से पहले की थी मॉर्निंग वाली, वो कहता है बनाई किसके लिए की थी, टू ब्लाइंड अदर्स, ब्लाइंड मीन्स कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन पैदा करना, कन्फ्यूज करना, अंधा करना, वो दूसरों को अंधा कर रही थी। देखिए यहाँ जो लवर और बिलवड दोनों चल रहे हैं, उनका मुंह एक तरह से वेस्ट की ओर है और जो सन है वो ईस्ट में उनके पीछे से है, इसलिए नेचुरल रूप से सन की रोशनी जिनकी आंखों के आगे पड़ेगी, उनको उनकी आंखें थोड़ा अंधा फील करेंगे अपने आप को, तो जो लोग देख रहे थे उन पर सीधा सूरज पड़ रहा था उनकी आंखों पे, तो देवर ब्लाइंड, और लवर्स का मुंह सन की तरफ नहीं था, इसलिए उनकी आंखें उस तरफ नहीं जा रही थी, तो इसलिए कहते दूसरे ब्लाइंड हो रहे थे। और सिंबोलिकली क्या माना उसने कि हमारे प्यार में जो कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा था, लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होता जा रहा था। अब क्या हुआ, तो दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, अब कहता है कि दीज विच कम बिहाइंड, ये जो परछाइयां हैं अब पीछे से आगे आ गई, विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, और वो हमारे ऊपर, हमारी आंखों में सीधा पड़ेंगी, वो हमारे ऊपर असर करेंगी, एंड ब्लाइंड आवर आइज, क्योंकि सूर्य अब हमारी आंखों के बिल्कुल सामने आएगा, उसकी धूप हमारी आंखों में पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तो हम अंधा फील करेंगे। और यहां मतलब क्या हुआ कि हमारे प्यार में फिर जो है कन्फ्यूजन पैदा शुरू हो गया, परछाइयां बढ़ रही हैं। वही विट्टी पोएट है जॉन्डन, उसका यूज किया उसने सन की इस विजिट का अपने प्यार को दर्शाने के लिए, क्या कह रहा है कि प्यार हमारा फिर वापस गलतफहमी की ओर जा रहा है, फिर प्यार में कमी आती जा रही, डिक्रीज हो रहा है प्यार हमारा। देखिए इफ आवर लव्स फेंट, यदि कहते स्टेज पे हमारा प्यार जो है फेंट का, तो मुरझा जाने से मतलब कम हो जाना, डिक्रीज, खत्म हो जाना, कम हो जाना। एंड वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन, वेस्ट वर्ल्डली का मतलब पश्चिम की ओर, डिक्लाइन का मतलब समाप्त होना, यानी हमारा प्यार थोड़ा फीका पड़ता है, कम होता है और पश्चिम की तरफ मुरझा जाता है। क्यों लिखा पश्चिम की तरफ, क्योंकि सन जो है वेस्ट की ओर छिपता है और पोएट बिल्कुल सन की विजिट को अपने प्यार से जोड़ रहा है, तो क्या जिस प्रकार से सूर्य छिप रहा है उस प्रकार से हमारा प्यार भी कहता है वो खत्म हो रहा है। तो कहता है टू मी दाऊ, अगर ऐसा होता है टू मी, आप जो है लवर को कह रहा है, बिलवर को अपनी, कि तुम मेरे प्रति, दाऊ मीन्स यू, फॉल्सली का मतलब झूठी, दाई मीन्स योर, कि तुम्हारे जो एक्शंस होंगे, तुम्हारे जो बातें होंगी वो मेरे प्रति झूठी हो जाएंगी, यानी तुम मेरे प्रति दिखावा करना शुरू कर दोगी, क्योंकि हमारे प्यार में सच्चाई खत्म हो गई। एंड आई टू दी, और मैं जो है, दी मीन्स यू, माइन एक्शंस, मेरे जो एक्शंस होंगे
शेल डिसगाइज का मतलब दिखावा करने वाले, कंफ्यूजन करने वाले, यानी कहने का मतलब आवर एक्शंस टू ईच अदर विल कंफ्यूज अस, यानी क्योंकि जो सिंसियरिटी है हमारे प्यार में, जो ऑनेस्टी है, वो खत्म हो जाएगी, हम सिर्फ वापस गलतफहमी शुरू हो जाएंगे हमारे अंदर और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, और ऐसा हो चुका है कहता है। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल डे, पर तो कहता है ये जो परछाइयां हैं ये तो लंबे समय तक चलेंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो सन की विजिट है ईस्ट टू वेस्ट, और सन शाम को जाके छिपेगा नून के बाद, 1, 2, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ऐसे समय चलेगा, सन आगे बढ़ेगा, परछाइयां धीरे 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 जो है आगे बढ़ती जाएंगी कहता है। लेकिन होगा क्या कि फिर जब सब सनसेट होगा तो परछाइयां खत्म हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है, बट दीज ग्रो लॉन्गर ओल्ड, ये परछाइयां तो लंबे सारा दिन चलती रहेंगी, लंबी होती रहेंगी, बट ओ, परंतु अरे, लव्स डे शॉर्ट, जो प्यार का दिन है वो तो शॉर्ट होता है, वो तो छोटा सा होता है। इफ लव डीके, क्योंकि यदि डीके का मतलब क्षति होना, नाश होना, डिस्ट्रक्शन होना, यदि प्यार का नाश होता है, यदि प्यार खत्म होता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लव्स डे शॉर्ट, यदि प्यार खत्म होगा तो कहता है लव इज ए ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट। लव क्या कहता है, ए ग्रोइंग मीन्स बढ़ता हुआ, फुल मीन्स पूरा, और कॉन्स्टेंट मीन्स निरंतर लगातार एक लाइट देने वाला है, यानी लाइट से मतलब प्यार हमेशा गाइड करता है। सच्चा प्यार जो है, लवर्स के बीच में कोई कन्फ्यूजन पैदा होगा उसमें उनको वो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा, ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, कहता है कि हमारा प्यार खत्म हो गया है, एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून, आफ्टर के बाद नून अलग है, इज नाइट, और कहता है प्यार का जो पहला पड़ाव है, मिनट से मतलब पड़ाव, नून के बाद यानी दोपहर के बाद, वो सीधा नाइट जाएगा, क्योंकि दिन तो टुकड़ों में टूटा है, लेकिन लव एकदम टूट जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। थैंक्स।